start. देखो बाहर बारिश हो रही है. It's raining. It's raining. इस मौसम में क्या खाने का मन कर रहा है. It's raining. It's raining. बोलो 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 बोलो. It's raining. It's raining. मस्त करा मस्त करा मस्त. चलो मैं रिंग फ्रेंडी करती हूँ. तो फ्रेंड्स, इस ठंडी ठंडी बारिश की मौसम में हम खाने वाले हैं गर्मा गर्म पकौड़े. हम बनाएंगे, खाएंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे. तो फ्रेंड्स, आज हम गर्मा गर्म पकौड़े बनाने वाले हैं इस पत्ते गोभी से, यानी कि कैबेज. सो लेट्स स्टार्ट. फ्रेंड्स, कैबेज हो गया फाइनली चॉप. अब इसके बाद हमें क्या क्या चाहिए, चलो देखते हैं. कैबेज के साथ हमें चाहिए बेसन, हल्दी पाउडर, सॉल्ट, ग्रीन चिली, कड़ी पत्ता, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एंड धनिया पाउडर. सो लेट्स स्टार्ट. तो अभी मैं सारे चीजों को मिक्स करती हूँ. सबसे पहले हमें डालना है कैबेज. बेसन, हल्दी पाउडर, सॉल्ट, चिली पाउडर, करी पत्ता, धनिया. अभी हम करेंगे इसे अच्छे से मिक्स. चलो बोलो. हाँ मेरा. इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करिए. ज्यादा मत डालिएगा वरना ये पूरा गीला हो जाएगा. सो गाइस, हो गया हमारा पकौड़ा का मिक्सचर रेडी. अब ये जाएगा सीधे गर्मा गर्म तेल में. और ये रहा हमारा चटनी का इंग्रेडिएंट्स. इसमें है पुदीना, धनिया, जिंजर, गार्लिक, बेबी टोमेटो एंड चिली. तो बनाते हैं, इससे बनेगा चटपटा ग्रीन चटनी. ये भी हमारे साथ एंजॉय करेगी गर्मा गर्म गोभी का पकौड़े. बस 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 चार सबको चार चार से. हमने एंजॉय किया अपना गर्मा गर्म कैबेज पकौड़ा विद आवर ग्रीन चटनी. मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.